भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने बड़े बड़े होल्डिंग बैनर लगाए थे, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी सरकार। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से वादा किया था 90 दिन के अंदर जितने भी रिक्त पद है वो हम उसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे। आप देखिए 19 मार्च 2017 के बाद जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, जिसमें नौजवान पढ़ाई करता है, अपना पैसा खर्चा करता है, फार्म भरता है, कोचिंग करता है, और जब वो परीक्षा सेंटर पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। योगी सरकार ने 8 परीक्षाओं को कराने का काम किया अपने कार्यकाल में, 8ों का पर्चा लीक। उसका कारण क्या है कि आखिर ऐसे कौन से सफ़ेदपोश लोग हैं जिन्होंने ऐसी एजेंसियों को काम दिलाया जो गोपनीय पेपर को लीक करने का काम हुआ। सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक, पावर कॉरपोरेशन का पेपर लीक, नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक, जितने भी पेपर हैं सब लीक। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नौजवान अयोग्य हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, असल में तो अयोग्य आप हैं, आपसे प्रशासनिक व्यवस्थाएँ संभल नहीं पा रहे, प्रशासनिक रूप से पूरी तरीके से आप असफल साबित हुए, थोड़ी भी नैतिकता बची है तो इन 68,500 शिक्षा जो शिक्षकों को लेकर CBI जांच का जो विरोध आप कर रहे हैं, यदि थोड़ी भी नैतिकता हो तो अब इस्तीफा दे दीजिए। और हम उसको बनाने के लिए पूरा सारे प्रयास हम कर रहे हैं, और उसमें जो भी प्रक्रिया में जो सुधार की आवश्यकता है वो सुधार कर रहे हैं, और हर हालत में पारदर्शिता विश्वसनीयता बने, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, और वही उसी गाइडलाइंस पे काम हो रहा है। वो अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस की बड़ी भर्ती हुई, परीक्षा हुई, तो कुछ एक जगह की कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो पूरी शांतिप्रिय ढंग से हुई। उत्तर प्रदेश में पूर्व में सपुस्तक परीक्षाएं होती रही हैं,